नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के इस वीडियो के साथ। और आज हम आए हुए हैं ये आपका ग्वालियर में महाराजपुरा क्षेत्र पे। यहाँ पर जो सिटी बन रही है शिव सिद्ध सिटी के नाम से ये पूरी कॉलोनी काटी जा रही है। और इसका आज हम एक जो सिंप्लेक्स है वो बीयर करने वाले हैं। यहाँ से आपका एंट्रेंस रहेगा, एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो बाहर क्रोम का गेट लगा जाएगा, आगे साइड में विंडो जो कि ड्राइंग रूम का विंडो है। ओके, ये आपका अंदर चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा पोर्च, फोर व्हीलर पार्किंग का एरिया। यहाँ पे पर्याप्त स्पेस आपको मिल जाएगा फोर व्हीलर पार्किंग के लिए। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका गेट था, ठीक है। और इसका जो एरिया है आपका टोटल मकान का 20x40 स्क्वायर फीट में इसको बनाया गया है। और ये पोर्च का जो एरिया बात करें तो पोर्च का एरिया आपका रहेगा लगभग 17x10 फीट का, तो इसमें आपका 4 PA गाड़ी आराम से पार्क हो सकता है। ओके, स्टेयर का सेक्शन इसमें अलग है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे पोर्च के ऊपर तो आपका प्लस माइनस का डिज़ाइन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ओके, और इसके बाद हम चलेंगे लेफ्ट राइट साइड से तो आपका सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, ऊपर फोर सीलिंग का डिज़ाइन भी यहाँ पर दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये आपका विंडो वेंटिलेशन के लिए, लाइटिंग के लिए, जो कि मेन रोड पर ओपन होगा। बाहर जो रोड का जो साइज़ है वो आपका 25 फुट चौड़ाई में रोड का एरिया दिया गया है। यहाँ से अंदर चलेंगे तो दो एंट्रेंस मिलेंगे, एक एंट्रेंस आपका ये रहेगा ड्राइंग रूम के सेक्शन से और एक एंट्रेंस आपका यहाँ से था इस साइड से जो कि मेन पोर्च के एरिया से था। पोर्च के बाद ही आपको लेफ्ट साइड में स्टेयर मिल जाएगा। स्टेयर पे भी आपका रेलिंग और ग्रेनाइट से जो स्टेयर का डिजाइन बनाया गया है ये आपका ऊपर का हिस्सा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे चलते हैं, स्टेयर से उतरने के बाद ही यहाँ पे आपको मिलेगा किचन का एक वेंटिलेशन विंडो। और ये ड्राइंग रूम के बाद इधर चलेंगे तो इसमें मिलेगा यहाँ पे आपका लाइट का सेक्शन रहेगा ये वाला। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपका बाथ का सेक्शन रहेगा। ओके, इसका जो स्पेस है कि कितने बाई कितने में इसको डिजाइन किया गया है वो आपको डिस्प्ले पे देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये आपका पहला बेडरूम आएगा, लेट बाथ के सब बगल से दिया गया है। ये आपका पहला बेडरूम का एरिया, ठीक है। अब इसमें लाइटिंग नहीं की गई इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है। ऊपर इसमें भी फोर सीलिंग का डिजाइन दिया गया है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो अटैच लेट बाथ का सेक्शन इसमें रूम के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लास्ट में। और इस रूम के लिए और अटैच लेट बाथ के लिए यहाँ पे एक ओपन वेंटिलेशन है, ये आपका ओपन वेंटिलेशन रहेगा जो कि दोनों रूम्स के लिए दिया गया है। ओके, एक विंडो आप यहाँ पे दे देंगे, एक विंडो आपका यहाँ पे रहेगा तो दोनों रूम से वेंटिलेशन रहेगा। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ तो यहाँ स्टेयर के बगल से हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा किचन का एरिया, ओपन किचन प्रोवाइड किया गया है। कितना स्पेस है आप इसका डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आपके फ्रंट में आ रहा होगा इसका चौड़ाई और लंबाई का सेक्शन। उसके बाद लास्ट में चलेंगे किचन के बाद तो यहाँ पे एक लास्ट में बेडरूम दिया गया है। बेडरूम में भी आपका फोर सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है। और राइट में देखेंगे तो विंडो दिया गया वेंटिलेशन के लिए जो कि ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट पर ओपन होगा प्रॉपर लाइटिंग के लिए। ओके, तो ये आपका 20x40 800 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपका एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर और यहाँ पे पास में ही सिटी के बाहर जो DRDO को भी ऑफिस भी बनाया जा रहा है। और रेलवे स्टेशन से आपका 6 किलोमीटर अप्रोक्स आपकी दूरी रहेगी इसकी। और इसका जो मैनेजर है सिटी के देवेंद्र सिंह, उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप जाके एक बार इस मकान को अगर लेना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।